प्रॉब्लम हो गया, हाथ टूट गया जी। जीवित पुत्री का व्रत की सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैं प्रसाद बना रही हूँ पूजा के लिए। जीवितिया में शाम को सूर्य को अर्घ देते हैं नहाने के बाद से, इसमें भी बाल को पोछना मना होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अर्घ दे के तुलसी पूजा करके और पितरों की पूजा कर लूँगी, उसके बाद से मैं पूजा की तैयारी प्लस कथा करूँगी। यहाँ पे मैं चौकी पे सबसे पहले अष्टदल बना लूँगी कलश के लिए, उसके बाद कलश को सजा के इसके ऊपर रखूँगी। कलश स्थापित करने के बाद से मैं यहाँ पे नेनुए के पत्ते पर जीतवाहन का आसन और चिल्हो और सियोरी का आसन बनाऊंगी। हाथ टूट गया जी। कुश से मैं जीतवाहन को बना रही हूँ, वो बार बार टूट जा रहे हैं, इसीलिए बेटी भी हंस रही है। बन जाइए भगवान। जीवित वाहन को दिखा। जीवित वाहन उनका सर, ये सर, ये दो हाथ, पैर किधर है? ये दो पैर। अच्छा, क्यूट क्यूट रहा है। क्या? चिल्ली, चिल्ली एक पक्षी थी, वो हो गई चिल्ली। एक सियार बिना शेपलेस चिल्ली, तो चिल्ली रुको से पना। हाँ। क्या बनाई है? चिड़िया हो गया ये। अच्छा, दादी जैसे बनाते थे उसे नहीं बनाएगा इसका। बन सकता ठीक है। बटर बटर चिल्ली। चिड़िया है, चिल्ली चिड़िया ही रही होगी सर। गोबर से चिल्ली और सियारी बनाने के बाद से मैं इन लोगों का पूजा करूंगी। कहानी में ऐसा कुछ ही था कि चिल्ली ने अच्छा से व्रत किया था और सियारी ने नहीं किया था, जिस कारण से चिल्ली का नेक्स्ट जनरेशन में अच्छा बच्चा पैदा हुआ और जीवित रहा और सियारी का नहीं। इसीलिए चिल्ली और सियारी दोनों का पूजा आज करते हैं और साथ में जीतवाहन का तो करते ही हैं, क्योंकि उनके वजह से ही ये सबके बच्चे जिंदा हुए और ऐसा कहानी में है, तो उनकी भी पूजा आज हम लोग करते हैं। चलो सियार ठीक है। ऐसी कोई भी पूजा करो तो गॉड ब्लेस। अब मैं चिल्ली सियारी और जीत वाहन सभी पे अक्षत चंदन ये सब कुमकुम लगा के और पुष्प अर्पित करके फल और कुछ मिष्ठान, यहाँ मैंने वो सुबह में खजूर बनाया था वो चढ़ाऊँगी। उसके बाद से दीप प्रज्वलित करके एक लोटे में ये अपना जीतिया और बद्धी, बद्धी जो बच्चों को पहनाया जाएगा, और ये जीतिया कथा के बाद बच्चे के गले में डाल के फिर मैं खुद पहन लूँगी।
हाँ व्रत क्या, क्या? शिवांश की मम्मी व्रत की है क्या जीतिया? हाँ मैं व्रत की हूँ, राम जी को बताऊंगी कि हाँ मैं व्रत की हूँ, और जा करके जहाँ भी जाओ जीत के आओ, जहाँ भी जाओ मार के आओ और सफलता पाओ और हर क्षेत्र में कामयाब हो जाओ और लंबी आयु को प्राप्त करो। हाँ फिर पूछो कि शिवांश की मम्मी व्रत की है क्या? राम जी हमसे पूछेंगे शिवांश श्रुति की मम्मी व्रत की है क्या? श्रुति की मम्मी व्रत की है, श्रुति को जहाँ भी जाएगी वहाँ सफलता पाएगी, हर क्षेत्र में जीत के आएगी मार के आएगी। इस पौधे को बड़ियार का पौधा कहा जाता है, जिसे छू के उसे हाथ में लेके कथा सुना जाता है और साथ में भगवान जी से लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। चरण करने वाला जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात्रि के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो। अगली सुबह मॉर्निंग में मैं स्नान ध्यान करके जल दे दिया, पितरों को भी जल दिया और फिर पूजा पाठ करने के बाद से मैं अपना पूजा अभी यहीं समाप्त कर रही हूँ। और साथ में मैं बच्चों को बद्धी वगैरह पहना के मैं यहाँ मरुए की आटा और थोड़ी सी नोनी का साग और सतपुतिया का तोड़ के मैं इसे पारण करूँगी। उसके बाद कुछ बनाऊँगी, तब कुछ खाना पीना होगा। चाय पानी पीने के बाद से मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं एक तरफ बना रही हूँ अमचूर पाउडर से चटनी दही बड़ा के लिए, और दूसरी तरफ मैं वो बड़ा छान लूँगी और साथ में एक तरफ वो चटनी बनता रहेगा, दूसरी तरफ फटाफट मैं बड़ा छान लूँगी। चटनी को गाढ़ा बनाने के लिए मैं कॉर्न स्टार्च का प्रयोग कर रही हूँ। दही बड़ा तैयार है, मैं यहाँ प्लेटिंग कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए, और इसके पहले मैंने पितरों का खाना निकाल दिया है और अब मैं जाऊँगी खाना खाने। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ बेटा का, वो आ जाए तो माँ बेटी और बेटा तीनों मिलके साथ में खाना खाएंगे। अगर ये मेरा ज्वितीया पूजा का ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ज़रूर। इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।